Hello, my name is Priya Gajjar. I am 21 years old. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. And I have lost 11.6 kg weight and 22 inches in 5 months. I'm a teacher. My profession is teacher. And I was having so busy schedule. Mere paas bilkul bhi time nahi hota tha. I cannot concentrate on my diet and bahut hi tough ho jata tha. As a teacher, I must be fit, active hona bahut zaruri hota hai as a teacher. So mere ko bilkul bhi time nahi milta tha. Mujhe jo bhi carvings hoti thi, I eat junk food and bahut kuch bhi kha leti thi main. So I was very depressed ki mera weight itna zyada tha and everybody pokes me. कि आपका वेट बहुत है इतनी कम एज के अंदर आपने इतना वेट कर लिया है कोई भी घर पे आता था तो इट फील्स रियली बैड कि इतना वेट है आपका और सब आते जाते सब ही बोलते रहते थे सो आई केम हियर इन बी लाल एंड माय डाइटिशियन इज़ मिसेस मनीला भार्गव सो शी सजेस्टेड मी अ डाइट मैंने उनसे बात करी मुझे अच्छा लगा उन्होंने मुझे बैलेंस डाइट दी शी मोटिवेटेड मी कि हम इस डाइट अच्छे डाइट प्लान पे वर्क करेंगे और ग्रेजुअली मेरा वेट कम होता जाएगा थैंक्स टू माय डाइटिशियन मिसेस मनीला भार्गव अंडर हुज गाइडेंस शी मोटिवेटेड मी अ लॉट पहले आई थॉट कि बहुत सारी क्रैश डाइटिंग होंगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ेगा कुछ नहीं खाना होता है और सिर्फ बहुत ही नॉर्मल थिंग्स भी जीना होगा बट ऐसा कुछ नहीं था आई फील उन्होंने मैं तो पहले जितना नहीं खाती थी उससे भी ज़्यादा खाती हूँ और अभी भी आई फील वेरी एक्टिव कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कार्विंग्स हो रही है या मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ बहुत ही बैलेंस डाइट है मेरी जिसके अंदर आई फील वेरी गुड और एक्टिव कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि एनर्जी बहुत लो हो गई है मैं काफ़ी कम खा रही हूँ तो उससे मेरी एनर्जी लो गई ऐसा कभी नहीं हुआ बल्कि मैं जितना पहले खाती थी उससे ज़्यादा अभी खा रही हूँ और बहुत ही अच्छा भी लगता है मैम से मिलने के बाद में मुझे मोटिवेशन फील हुआ उसके बाद में मैंने अपना रिजल्ट्स अचीव करे धीरे धीरे जो मुझे लगता था कि मैं कभी इस लेवल पे नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी थी आई डो नॉट विजिट रेगुलरली बस वीक में एक बार मैं यहाँ पर आती हूँ माई डाइट इज़ बीन फॉलोड इन दैट वीक और फिर उसके बाद में हर वीक मुझे एक न्यू डाइट मिलती है एंड जब भी मुझे पर्सनली कोई कॉन्टैक्ट करना होता है या फिर पर्सनली भी मुझे कुछ पूछना होता है मैम से तो मैं व्हाट्सएप या कॉलिंग एनी टाइम शी इज़ अवेलेबल इसके लिए पीपल आर सेइंग मी अब जब जैसे ही कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं या कुछ गेट टुगेदर्स होते हैं तो मेरी फैमिली एंड सब आती है एंड दे फील वेरी शॉक्ड कि अरे वाह तुमने इतना ज़्यादा कम कर लिया है और सब आते जाते एवरी टाइम मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मेरे इवन माई स्कूल स्टाफ्स और मेरे पेरेंट्स बच्चों के जो भी पेरेंट्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि वाओ मैम आपने मतलब इतने कम दिनों में इतना कर लिया ऐसा क्या हो गया तो आई सजेस्ट देम मैं उनको कहती हूँ कि नहीं मैं डाइटिंग पे हूँ तो उनको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं डाइटिंग पे हूँ तो शायद मैं कुछ नहीं खाती हूँ बट ऐसा कुछ नहीं है मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ बहुत हेल्दी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया अब जब सबके कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जैसे कुछ बहुत दिनों बाद भी लोग मिलते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे हैं शी इज़ वेरी गुड है ना मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था कि कुछ मतलब ऐसा भी कुछ डाइट हो सकती है कि जिससे आप बहुत रिड्यूस हो सकते हो कोई आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दिए जा रही सिर्फ ओनली विद डाइटिंग इवन एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ ऐसी टफ नहीं बताई कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जॉइन जिम या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सो पहले इट वॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो बिलीव करना बट जैसे जैसे मैंने बात करी आगे करी मैम का बिहेवियर उनका मतलब समझाने का तरीका और मेरी हिसाब से मेरी डाइट बनाना मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी डाइट ही मुझ पर दी उन्होंने मेरी सुनी सारी बातें सुना मेरा शेड्यूल क्या है मैं किस टाइम पे क्या खाती हूँ किस टाइम पे नहीं खाती हूँ उस हिसाब से उन्होंने उसको रीशेड्यूल करके फिर मुझे वो दिया मुझे कभी भी मेरे डाइट चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है या फिर इन चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि डाइटिशियन के पास आना और डाइट चार्ट लेना इज़
वो नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा वैसी डाइट पे चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी कैन टेक डाइटिशियंस हेल्प, ना कि सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी और अपने आप को फिट रखने के लिए भी, क्योंकि आज के जनरेशन में फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप नहीं जानते कि आपको कौन सी कभी इश्यूज हो जाए, कौन सी बीमारी हो जाए. तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू बी फिट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.